करके बोले बाबा सुखी राम जी महाराज की, बोले शाना ग्राम की। जितने बैठे श्रोतागण सब खोलो दिल का भय, एक बार श्रद्धा से जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बाबा सुखी राम जी महाराज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कवि श्रोमणी बाबा सुखी राम जी की ये पावन तपोस्थली और ये महान बस्ती श्याणा ग्राम, किसी किसी घर में कोई एक श्याणा होता है, किसी में दो श्याणे हो जाए, ये तो पूरा गांव ही श्याणा है। और यहाँ आने वाले हैं वो भी श्याणे ही आते हैं, श्याणा के श्याणा ही आओ। हमारे
इस परिवार में जो आज खुशी है, ये वो एक कहावत है ना, एक पान में दो बुझा। हमारे श्रीमान हवासु जी थानेदार साहब के यहाँ पोता हुआ, उनके ये कल का जलवा पूजन समारोह है और पूर्व रात्रि में भजन संध्या, कल के दिन में जो आपके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, बस्ती के भी सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से बाबा सुखी राम जी के नाम से ग्राम के बाहर जो सिंह द्वार का निर्माण करवाया गया है उसका भी उद्घाटन, और बाबा सुखी राम जी की तीसरी पुस्तक, क्या नाम है उसका, लक्ष्मण मूर्छा, उसका विमोचन, और साथ साथ इन सभी कवियों का संगम कल के दिन में शाम का कार्यक्रम भी। ये तो एक पान में कई बूझा होगी, दो से भी ज्यादा होगी, तो ये इसको कहते हैं श्याणा, ये श्याणों का काम है। और बाबा सुखी राम जी की तो महिमा का हम क्या बखान करें, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, बरनिन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मती मोरी। उन महान कवियों की महिमा का, उनके गुणों का बखान करते करते हम जैसे कुछ जीवों की बुद्धि छोटी पड़ जाती है। इतने महान कवि जिन्होंने कुछ छोड़ा नहीं बाकी, धर्म कर्म रीति नीति भक्ति योग, समाज को जितना भी जिस भी जगह आवश्यकता पड़ी, हर क्षेत्र में बाबा सुखी राम जी की कलम चली, और इतने सहज भाव से, इतने सरल तरीके से कि एक आम आदमी भी उन बातों को आराम से सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। वास्तव में कवि का धर्म भी यही होता है कि अपनी बात उस भाषा में कह दे जो हर आदमी समझ जाए और हर आदमी के जीवन में काम आती रहे। विशेष रूप से मैं खैर क्षमा चाहूँगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ उनके बारे में, जितना मैंने सुना है और जब मेरा संपर्क हुआ है लोगों से, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उनके जीवन के बारे में और उनकी काव्य कृतियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उसमें ये मैंने महसूस किया है कि शायद ऐसा कवि, जब वो भगवान स्वयं ही ऐसे कवियों के रूप में अवतार लेते हैं तो ही इस धराधाम पर आते हैं, बाकी सब के बस की ऐसी बात नहीं है इतना महान काम करना। तो लीजिए, उनकी जो शैली थी, विशेष रूप से पारवा ज़्यादा गाया करते हैं बाबा, तो मैं तो अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि, एक अपने भाव उस शैली को देख करके समर्पित करता हूँ। मैं कोई कवि नहीं हूँ, कोई गायक नहीं हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं सीखने के लिए आता हूँ, देखने के लिए नहीं आता हूँ। ये महान कवि गुरुजी परमानंद जी, शास्त्री जी, संजय जी, हमारे अध्यक्ष महोदय राम कुमार जी, इधर सीताराम जी, प्रेमपाल जी, और हमारे उस्ताद लोग जो हैं भाई दमन जी, सतपाल जी, इन सभी लोगों से सुन सुन करके और जो थोड़ा बहुत मैंने हासिल किया है वो चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। और गलतियाँ ही गलतियाँ होती रहती हैं, ये आप लोगों की मानता है कि आप जैसे मेरे जैसे खोटे को भी सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, ये आप लोगों का बड़ापन है। तो एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा सुखी राम जी महाराज की। Thank you.
वैसे पारवा की बहुत सी रंगते हैं, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। एक चीज और बता देता हूं, मैं उस जगह से आता हूं जहां हरियाणा आप लोगों के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। सुन सुन करके और बस कोशिश करता हूं। तो लीजिए, ये शाणा ग्राम, जिसका जैसा नाम है वैसा ही इस गांव का काम है। तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर देता हूं। ओ ये शाणा, शाणों का कोशिश होनी चाहिए और उनकी सी तोड़ उनका सा रहेगा। मैं कोशिश करता हूं, पूर्ति नहीं कर सकता आप लोगों की। खंड चाहुआरी का आना देखो, परम ठिकाना शाणा और प्रांत है हरियाणा। देखो परम ठिकाना शाणा, जिसमें प्रांत है हरियाणा। देखो सबसे जाना सबसे न्यारा, जाना माना ये ग्राम है शाणा। देखो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया है। ये गीता जैसा, ये गीता जैसा गाना है शाणा में तुकबंद का। जैसा गीता का उपदेश भगवान ने दिया, उसी तरह का उपदेश बाबा सुखीराम जी का। ये गीता जैसा गाना है शाणा भी तुकबंद में, गीता जैसा गाना गावे यो शाणा भी तुकबंद में। और सुखीराम तत्काल हाल कह गए अपने छंद में, और आज भी सुनाते गाते सब कवि जन पसंद में। आज भी Thank you.
कवि जब कविता करता है उसके तीन ही प्रयोजन होते हैं। कविता करने के प्रयोजन तीन होते हैं। किस कारण से कवि कविता करेगा? या तो कवि कविता करेगा स्वांते सुखाय, अपने खुद के सुख के लिए, या फिर कवि कविता करेगा धन के लिए, जीव को पार्जन के लिए, या फिर कवि कविता करेगा लोक मंगल के लिए, जन कल्याण के खातिर। बाबा सुखीराम जी वो कवि हुए जैसे हमारे भारत में महाकवि तुलसीदास जी हुए, और हरियाणा का तुलसीदास भी बाबा सुखीराम को कहा जाता है। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां ऐसी महान भक्ति के लिए। जैसे जैसे तुलसी का राजा पुर, जैसे तुलसी का राजा पुर, वैसे शाणा सुखीराम का, तुलसी का राजा पुर, वैसे शाणा सुखीराम का, और वही दास राम का, और वही दास घनश्याम का, वही दास राम का और वही दास घनश्याम का, ये दोनों है एक लेकिन फर्क है बस नाम का, ये दोनों है एक लेकिन फर्क है बस नाम का, ये सबसे ये न्यारी निराली छवि देखी वाली छवियों में इनकी छवि सबसे अलग है। ये न्यारी निराली छवि देखी वाली छवियों में और गुणियों में गुणी है, और अनुभवी अनुभवियों में, और चमकते सितारे न्यारे जैसे कोटि कोटि रवियों में, और चमकते सितारे न्यारे कोटि कोटि रवियों में, चमकते सितारे न्यारे कोटि कोटि रवियों में, की कवियों में यो अमर कलाम है, कवियों में अमर कलाम है, सुखीराम जिसी हस्ती का, इतना प्रसाद दिया, लेकिन एक कारण रहा कि वो प्रसाद हर आदमी तक समुचित रूप से पहुंच नहीं पाया, और उस काम का बीड़ा उठाया इस परिवार ने, यादव परिवार ने। हमारे बीच से जो महान, मैं ये कहूँगा वो भी मैं कवि कह सकता हूँ उनको भी, क्योंकि कवियों का काम कोई कवि ही कर सकता है, मुनि जी स्वर्गीय श्री बलवीर जी, जिन्होंने दो पुस्तकों का संग्रह किया, संपादन किया, प्रकाशन किया। तो इधर इस यादव परिवार की भी, यादव परिवार की भी प्यार की तासीर सुनी, इस यादव परिवार की भी प्यार की तासीर सुनी, क्यों यादव परिवार की भी प्यार की तासीर सुनी, बाबा सुखीराम जी के छंदों की तहरीर चुनी, बाबा सुखीराम जी के छंदों की तहरीर चुनी, और दो पुस्तक प्रकाशित कर गए इस
ये उनके पीछे आवा सिंह जी प्रेम का पुरोधा मिला, उनके पीछे आवा सिंह जी प्रेम का पुरोधा मिला। और करी थानेदारी जब तक सरकारी ओदा मिला, करी थानेदारी जब तक सरकारी ओदा मिला। इस बाबा की बगीची में सब सिंचा हुआ ओदा मिला, इस बाबा की बगीची में सब सिंचा हुआ ओदा मिला, इस बाबा की बगीची में सब सिंचा हुआ ओदा मिला। यहाँ यहाँ सौदा मिला तमाम है, यहाँ सौदा मिला तमाम है, सरेआम रू है दस्ती का, सरेआम रू है दस्ती का। ये बड़ा सुहावन मन भावन पावन है मौका आज का, मन होता प्रसन्न दर्शन करके सभी समाज का, प्यारा प्यारा झड़कारा यो नारा साज बाज का, अपना अपना गाना है भाई अपने अंदाज का, कोई है कोई है कोई है कोई है दिमाग का, कोई गाना आवाज का, मिलके जयकारा बोलो सुखी राम महाराज का। करता मारा मारा भाई समझदार आदमी ना करे थारा मारा भाई, आज का सत्संग है और काल का भंडारा भाई। किसी किसी के होता भाई, हवा सिंह जी ने दे दिया सब लोगों को, हवा सिंह जी ने दे दिया सब लोगों को न्योता भाई, इधर शाना पोता इधर यादव जी का पोता भाई। हवा सिंह जी हवा की तरिया, हवा सिंह जी हवा जैसे, क्या कहना जनाब का। और ये प्यार का समागम कोई काम नहीं दाब का, ये प्यार का समागम कोई काम नहीं दाब का, क्यों। और ऐसे ही नजारा रहे हवा सिंह की आब का, और एक बार जयकारा बोलो।
मैं तो कुछ मैं नहीं गवैया भैया नहीं कुछ गान का नहीं हूँ गवैया नहीं कुछ गान का नहीं हूँ गवैया भैया नहीं कुछ गान का जानता ना मानता बिरखा था और जो 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 कही वो लही नहीं बस ये मेरी अज्ञानता जो जो कही लही नहीं ये मेरी अज्ञानता क्यों इन गुणियों के प्रताप से ही अपने तीर गुणियों के प्रताप से ही अपने तीर कानता पर आप मुझे माफ करते आपकी महानता एक बार में कई कई बुझा ये सूझा इशारा देखो आज का समागम ये हुआ थारा मारा देखो और हवा सिंह जी के पोता जन्मा ये सुंदर राज दुलारा देखो और इन्होंने निर्माण किया गेट बड़ा भारा देखो चमकेगा न्यारा जैसे नभ में सितारा देखो ये चमकेगा न्यारा जैसे नभ में सितारा देखो पुस्तक का विमोचन होगा देखेगा सारा देखो आज का सत्संग और काल का भंडारा देखो ये बात मैंने दो बार इसलिए कह दी कि इन सब बातों को एक साथ करने के लिए एक बात साथ भाई दो बार आई है एक बात साथ भाई दो बार आई है पर एक ही बात में इन सारी की समाई है एक ही बात में सब बातों की समाई है इसलिए बात मैंने दोबारा दोहराई है इसलिए बात मैंने दोबारा दोहराई है गंधर्व राधे श्याम सदा गलती की माफी चाहिए है अब जितने बैठे श्रोता सब सत्संग में सुरती लावेंगे ये शुभ सत्संग गंग की धारा मल मल गोता थामेंगे और कट जाएंगे सब रोग आप जो इसमें गोता लावेंगे जो सत्संग गंग में नहावेंगे बाबा सुखी राम भक्तों के सब बिगड़े काम बनावेंगे और कट जाएगी आधी व्याधि जो कल प्रसादी पावेंगे कल प्रसादी पावेंगे और गंधर्व राधे श्याम सदा दुनिया को शीश पावेंगे Oh,
आखिर में आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं के धन्य 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 श्रोता सारे हा धन्य धन्य श्रोता करे समझो ताई कड़ास का धन्य धन्य श्रोता सारे करे समझो ताई कड़ास का क्यों हा धन्य धन्य श्रोता सारे करे समझो ताई कड़ास का और प्रेम में प्रेम से पधारे सारे प्रेम से पधारे सारे प्रेम से पधारे सारे गाना गारे मिठास का प्रेम में पधारे सारे गारे मिठास का और बाबा सुखी राम काम सार देश राधे श्याम दास का सुखी राम काम सार बड़ी प्यारी देखो मधुबन के जैसे यहाँ खिल रही फुलवारी देखो मधुबन के जैसे यहाँ खिली है फुलवारी देखो धन्य बाबा सुखी राम और धन्य गुरु ब्रह्मचारी देखो ये धन्य बाबा सुखी राम धन्य गुरु ब्रह्मचारी देखो हितकारी राधे श्याम पूछे हितकारी उनका नाम है हितकारी का कर मीठा ओ हितकारी का करिया धाम है राधे श्याम तेरी कस्ती